फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। तो आज का हॉल भी होने वाला है मेरे किड्स वियर का हॉल, जिसमें मैंने शूज़ मंगाए थे और सैंडल मेरे बच्चे के लिए मंगाया था, मेरे बेटे के लिए, और सॉक्स भी मैंने मंगाया था आजियो का है ये हॉल। तो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगता है आजियो से किड्स वियर वगैरह मंगाना। तो आप जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पूरी फैमिली के लिए मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ तो सभी चीज़ों का, तो इस वजह से मैंने शूज़ वगैरह भी वहीं से मंगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने मंगाया था अपने बेटे के लिए कैंपस का शूज़, वो है ये कैंपस का शूज़। इसकी क्वालिटी ऑसम है गाइज, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल भी लगा ये, और इसकी क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा। कैंपस का है तो कैंपस एक अच्छा ब्रांड है, अच्छे शूज़ वगैरह सैंडल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है ये, अडल्ट्स के भी और किड्स वगैरह के भी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये है, आप यहाँ पे इसके लिए आपको इस तरह से मेटल का दिया गया होल्ड करके आप इसे यहाँ से अंदर से ला करके अपने किड्स के साइज़ जैसा लूज या टाइट चाहते हैं आप यहाँ पे इसे स्टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये लेस वाली का भी पैटर्न दिया गया है, जिससे कि ये लेस वाली फीलिंग आए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं बिल्कुल ही छोटा हूँ, मेरे लिए चिपकाने वाला इस तरह से खोलने वाला मंगाया जा रहा है शूज़ वगैरह। तो लेस भी का पैटर्न भी है, साथ में साथ यहाँ पर आप इसकी ब्रांडिंग भी देख सकते हैं कैंपस की, और ये बैक साइड में भी आप यहाँ कैंपस की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये मैंने मंगाया था 11 नंबर के साइज़ में, जो कि मेरा बेटा 4 ईयर प्लस का है, तो उसे बहुत ही कंफर्टेबली ये आ जाता है, बहुत ही अच्छा है ये। इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत पसंद आई, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का कलरफुल पैटर्न नियॉन ग्रीन में दिया गया है, नीचे वाइट है ब्लू का कॉम्बिनेशन, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत ही प्यारा लगा। तो आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जा करके इसे बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने कैंपस का सैंडल भी मंगाया था मेरे बेटे के लिए ही, इसकी क्वालिटी एंड लुक वगैरह भी मुझे बहुत पसंद आया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का दिया गया है कलर, वाइट है, वाइट के साथ ग्रीन है, और इसके साथ ही साथ इस साइड में दूसरे साइड में आप देख पा रहे हैं इस तरह से स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पे वाइट एंड ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी इस तरह से ये चिपकाने और खोलने के लिए पार्ट दिया गया है, कि अगर आपको पीछे से ये वाला पार्ट अगर आपको टाइट होता है तो आप इसे भी थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसे ओपन एंड क्लोज करने के लिए, और यहाँ से भी ओपन एंड क्लोज करने के लिए, ये जो चिपकाने के लिए जो क्या बोलते हैं इसे, मुझे एग्जैक्टली नाम इसका नहीं पता, जो चिपकाने वाला पार्ट है ना ये, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जनरली क्या होता है, जो हम थोड़े कम प्राइस वाले सैंडल्स वगैरह बच्चों के लिए ले आते हैं, तो इसमें ये वाला जो है चिप, दो चार बार जब खोलिए और बंद करिए तो ये लूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये ऊपर की तरफ फैब्रिक दिया हुआ है तो ये भी जल्दी से ख़राब होने वाली नहीं है, और ये कैंपस का है। ये मैंने मंगाया 13 नंबर में, शूज़ मैंने 11 में मंगाया था, ये 13 में मंगाया था, क्योंकि उसके लिए मैं सैंडल्स मंगाती हूँ तो वो ये बहुत जल्दी से छोटी हो जाती है, या पैर पूरा यहाँ तक निकाल करके पहनाना पड़ता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा मैंने उससे बड़ा ही मंगाया, 13 नंबर के साइज़ में है ये, तो काफ़ी अच्छे से वो पहन लेता है ईजिली, और पहनने पर इसका लुक बहुत प्यारा आता है। ये 209 या 210 रुपीज़ की मुझे मिली थी, कैंपस ब्रांड की है तो काफ़ी मजबूत है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी प्राइस वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी। जो ये शूज़ था ये भी मुझे 200 something 10 या 20 रुपीज़ की मिली थी, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा, क्योंकि मार्केट से लेने जाइए तो MRP पे ही आपको देते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है आपकी जेब पे। तो अब सेम प्रोडक्ट और अगर आपको ऑनलाइन पे कम प्राइस में मिल जाता है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए, घर बैठे मिल जा रहा है आपको। उसके बाद मैंने मंगाया था ये वाला स्नीकर का पेयर मेरे बेटे के लिए है, ये भी, ये थोड़ा सा साइज़ इसकी थोड़ी छोटी है, वो बस अभी अभी इसे पहन पा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम के बाद पहन पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही साइज़ में अवेलेबल था 4 to 5 ईयर में, बट मैं जनरली उसके लिए 5 to 6 ईयर का ही मंगाती हूँ, तो ये 4 to 5 ईयर का था स्नीकर, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये आजियो ब्रांड का है, तो इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा मुझे लगी अफोर्डेबल कि मैंने इसे मंगा ही लिया, कि वो कुछ दिन भी क्या एक दो बार ही पहनेगा तो भी इसकी प्राइस जो पैसा है वो बराबर हो जाएगा। ये मुझे मिला है गाइज ओनली 135 रुपीज़ का, ओनली 135 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, इतना प्यारा सा स्नीकर है, ये वाइट वाला, ये पोर्शन है ग्रीन के साथ, इतना खूबसूरत लगता है,
पहनने पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये लेस वाला यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, स्ट्रेचेबल है ये, आपको ये बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे नॉट है तो आराम से आप इसे पहनाइए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कंफर्टेबल। ये पेयर आजियो ब्रांड का बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मुझे वहाँ से मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने उसके लिए सॉक्स भी मंगाया था ऑनलाइन ही, 2 का कॉम्बो था, वो भी आजियो से ही मैंने मंगाया था। ये है टीम स्प्रिट का था, ये एंकल लेंथ का सॉक्स है, ये 1 पेयर है और 1 पेयर उसने यूज़ कर लिया है तो वो कहीं रखा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यही वाला जो अभी अनयूज था ये आपको दिखा दे रही हूँ मैं। ये भी मुझे आई थिंक 65 रुपीज़ में 2 पेयर का कॉम्बो मिला था, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट मैं अपने यूज़ के लिए मंगाती हूँ वो सारा मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं दिखाने के लिए मंगाती हूँ और कुछ भी अच्छा हो या ना हो रिव्यू के लिए मैं अच्छा अच्छा ही बोल दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ उसकी क्वालिटी वगैरह क्या है कैसी नहीं है और प्राइसिंग वगैरह मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।